मैं अपना परिचय दीजिए और जो जेल भरो आंदोलन आपने पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरा कैसे किया। मैं लल्ली सिंह, पीएसपीएसए की प्रांतीय सचिव। जेल भरो आंदोलन आज ओपीएस के बहाली के लिए हमने शुरू किए हैं और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ओपीएस बहाल नहीं है। पुरानी पेंशन हमारा हक है, हम भीख नहीं मांगते। ये बताइए कि जितने भी आज हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, उनको पुरानी पेंशन क्यों दी जा रही है? क्या हम ही लोगों से हर चीज़ छीन करके सारी वित्तीय व्यवस्थाएं सही करनी है देश के प्रधानमंत्री को और देश के सर्वोच्च लोगों को? हम लोगों का अधिकार छीन करके क्यों? हम अभी जब रिटायर हो जाएंगे हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जिन बच्चों को आज हम पाल रहे हैं कल हम उनके भरोसे पलेंगे? कौन पालता है, कौन पूछता है? 2019 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में आप लोग की सरकार बिल्कुल बिल्कुल अगर सरकार नहीं चेतती है हमारा बस एक ही नारा है, देश पर वही राज करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। अगर ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो अपना बोरिया बिस्तर ये लोग करेंगे, क्योंकि ये आज जन आंदोलन बन चुका है। आज एक एक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए सड़क बंद कर चुका है। कहाँ तक आप दबा पाएंगे हमारी आवाज़? कितने दिन दबा पाएंगे? आपको पेंशन बहाल करनी ही होगी, हर हाल में करनी होगी। अन्यथा ये जितने भी सांसद और विधायक पुरानी पेंशन ले रहे हैं उनको भी अपनी पुरानी पेंशन त्यागनी होगी, वो भी है एनपीएस में। जब हमें ओपीएस में नहीं जा सकते तो वो एनपीएस में। ये नहीं होगा कि एक देश में दो तरीके की व्यवस्था नहीं।